पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई जब 1965 में एक डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। पर क्यों और कैसे? तो पहले तो आप ये जान लो कि इंसानों के बाद डॉल्फिन को ही सबसे इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, तो हुआ क्या ये सुनो। एक्चुअली नासा डॉल्फिन को ह्यूमन लैंग्वेज सिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक मेल डॉल्फिन को चुना जिसका नाम पीटर था और एक लड़की को जिसका नाम मार्गरेट हॉलेट था, और उन दोनों को साथ में रखने लगे। जिसके बाद कुछ दिन बाद वो डॉल्फिन उस लड़की से इतना अटैच हो गया ना कि जब उस प्रोजेक्ट को खत्म करके नासा ने उन दोनों को अलग किया तो उस डॉल्फिन ने सुसाइड कर लिया। वो सांस लेने के लिए पानी से बाहर आया ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डॉल्फिन्स को भी हम इंसानों के जैसे लंग्स होते हैं, इसलिए उनको पानी के बाहर आकर सांस लेना पड़ता है। बट पीटर डॉल्फिन पानी से बाहर आया ही नहीं, मीन्स उसने सुसाइड कर लिया। आई थिंक इतना तो काफी है इंसानों को समझने के लिए कि डॉल्फिन्स कितनी मासूम और समझदार होती है।